गाइज BMW का जहाँ सर्विस होता है मैं वहाँ पे आया हूँ। अब देखो यार XR, ओ भाई चैनल तो कैसे हैं आप, होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम जा रहे हैं BMW को लेकर सेकंड सर्विसिंग के लिए। तो पूरा एक साल हो चुका है एंड बाइक को सर्विस की बहुत ज़रूरत है। या आपको जैसे पता होगा BMW का आपका जनरली 1 ईयर पे ही सर्विस इंटरवल रहता है। तो आज सेकंड सर्विस के लिए बाइक दे रहा हूँ, देखते हैं कितना बिल आता है। बेसिकली ब्रेक पैड्स ये सारे चीज़ रहते हैं, बट ब्रेक पैड्स मुझे अभी चेंज नहीं कराना है क्योंकि मेरा बाइक जितना भी चल रहा है ब्रेक पैड्स है उसमें बचा हुआ। तो जब रहेगा 80-90% के आसपास तो मैं चेंज करा लूँगा बाद में उसको। एंड उसके अलावा ये लोग 600 रुपीज़ चार्ज करते हैं वॉशिंग एंड क्लीनिंग का, तो वो भी मैं बाहर से ही करा के ले जा रहा हूँ बिकॉज यूजलेस है ना, जब बाहर में आपको 200 रुपये लग रहे हैं 600 रुपये वहाँ क्यों देना है। तो इनका बिल थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए, जो जनरली मैं सुनते आया हूँ सबका इतना इतना का बिल आ रहा है। तो दो तीन चीज़ ऐसे ही है जो कि ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं वहाँ पर अपडेट करके वो चीज़ को हमेशा हटवा ही दूंगा। एंड मुझे आइडिया है कहाँ से क्या करना है, वो सब बेसिक चीज़ कर सकते हैं। बट हाँ, सिस्टम रिलेटेड जो भी है या इंटरनल इंजन रिलेटेड ये सारा चीज़ खुद अच्छे से चेक करना ही है क्योंकि उसके लिए आप रिस्क नहीं ले सकते हो, राइट। तो गाइस चलिए चलते हैं बाइक को लेके BMW के शोरूम, क्योंकि सर्विस सेंटर उनके साथ ही में है। एंड बाइक दे के आना पड़ेगा, कुछ वीडियो तो वहाँ शूट नहीं हो पाएगा, बट फिर शाम में मैं जाऊँगा लेने अगर आज हो जाता है सर्विसिंग कम्प्लीट, तो फिर मैं आपको बिल दिखाता हूँ उसमें क्या क्या हुआ है। सो गाइस मैं आ गया हूँ, थोड़ा टाइम के पहले आ गया हूँ, तो आप देख सकते हो मेरी बाइक खड़ी है उधर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको लगता है सेम ही मतलब ये ऑनर का है, बट एनीवेज तो थोड़ा वेट कर रहे हैं, वो आते हैं तो थोड़ा डिस्कशन करके फिर बाइक दे के निकल जाएंगे हम। गाइस BMW का जहाँ सर्विस होता है मैं वहाँ पे आया हूँ। अब देखो यार XR, ओ भाई XR है एंड ये पूरा GSE है एक्चुअली, ये भी GSE है। तो कुछ ऐसा है इनका वेयरहाउस जहाँ पे सारा काम होता है बाइक का, एंड दैट इज़ R1250। नीचे में आपका GS एडिशन लगा हुआ है, सो नाइस। मैंने अभी तक बाइक दिया नहीं है, अभी जिनको कलेक्ट करना है वो आए नहीं है, बाइक उनको देता हूँ फिर घर निकलता हूँ, फिर शाम में आके लेता हूँ जैसे भी होगा। गाइस ये एक GS सर्विस हो रही है, तो कुछ ऐसा ही लगेगा जब बाइक का सर्विसिंग होगा, तो क्योंकि यहाँ पर ही फिल्टर है, ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है यहाँ पे टैंक इन्होंने निकाल के रखा है, बट आप देख रहे हो ना पूरा बाइक एकदम खाली हो चुका है। सो चलिए वेट करते हैं बस, अब उनका अब वो आते हैं तो बाइक उनको देके चलते हैं। तो मेरा एक और चीज़ था ना, स्पीडोमीटर जो है ना ये थोड़ा लूज़ था मेरा स्टार्टिंग से ही, तो हमको लगता है क्या हुआ था मैनुफैक्चर में, ये क्लिप मिसिंग था, ये क्लिप आप देख रहे हो ना ये क्लिप मिसिंग था, तो ये भी मुझे लगवाना है, मैंने पहले ही बोल के रखा था एंड ये लगवाना है। गाइस फाइनली सर्विसिंग पूरी हो गई है, 2 दिन लगा दिया इन्होंने, बट ठीक है फाइन, एज पार्ट एज सारा चीज़ सॉल्व हो गया। तो ये रहा बिल बेसिकली, आप देख सकते हैं ये हो गया आपका पार्ट्स के बारे में। एंड सेकंड पेज पे अगर हम जाते हैं, सो ये आपका जो बेसिक जो सर्विस रहता है उनका, हर चार्जेस डायग्नोस्टिक्स एनुअल इंस्पेक्शन एंड एवरीथिंग। सो टोटल मिला के लगभग 8,300 रुपये लगे मुझे, बट आई थिंक एवरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मैनुफैक्चरिंग में मेरा ये क्लिप मिसिंग था, मैंने दिखाया था आपको वीडियोज़ में, सो दिस इज़ ऑल्सो सॉल्व। एंड फाइनली इसके साथ बाइक का सर्विसिंग कम्प्लीट होता है सेकेंड, और फिर इनके पास आएंगे हम 1 साल बाद।